दोस्तों नमस्कार। हरियाणा की राजनीति के अंदर लाल राजनीति बड़ी प्रभावी रही है। हरियाणा की राजनीति के अंदर लालों की राजनीति का लंबे समय तक जलवा कायम रहा है। और अगर आज मैं ये कह दूं कि लाल राजनीति का जलवा कायम रहा ही नहीं, आज भी कायम है। अगर मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइन में बात बोल दूं कि हरियाणा के अंदर जो तीन लाल हुआ करते थे, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल, तो अब इन तीनों लालों के महालाल मनोहर लाल ये हो चुका है। यानी कि जो तीन लाल थे, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल, उनके परिवार के जो राजनीतिक विरासत थे या उनकी विरासत पर राजनीति करने वाले लोग, मैंने इसलिए ये बोला है कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपने परिवार के जो मुखिया थे वो उस समय तक उनको राज कम आते थे, लेकिन बाद में उनकी राजनीति उनके नाम पर चली। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि चाहे वो उन परलाल नेताओं के राजनीतिक विरासत धारी थे और या फिर उनकी विरासत के नाम पर राजनीति की, आगे आपसे विस्तार में बात करूँगा सारी, वो तमाम लोग मनोहर लाल में समाहित हो चुके हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि तीनों लालों के महालाल मनोहर लाल। अब आप कहेंगे तीनों लालों के महालाल कैसे हैं और किस प्रकार समाहित हुए। आप इसे कुछ यूं देखें कि आज लगभग 11 बजे सुबह चौधरी बंसीलाल के नाम पर, चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत के नाम पर राजनीति करने वाली किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी आज शामिल हो गई भारतीय जनता पार्टी में। कल दोपहर को हमने एक वीडियो डाली थी और उसमें मैंने कहा था कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी नेता को लाए कांग्रेस में और उसको राज्यसभा का कैंडिडेट बनाए। मैंने उसमें आपसे दो नाम दोस्तों कहे थे, एक मैंने बोला था आपसे किरण चौधरी और दूसरा मैंने आपसे बोला था कैप्टन अजय यादव। एक बात तो पूरी हो गई और दूसरी बात आप मान करके चलिए कि शायद एक दो दिन में पूरी हो जाएगी जब किरण चौधरी या श्रुति चौधरी राज्यसभा की कैंडिडेट के तौर पर नामित कर दी जाएंगी। और अब आप आपसे बात करते हैं वही वाली जिसके अंदर मैं बता रहा था कि तीनों लालों के महालाल मनोहर लाल कैसे कैसे हुए। आज जो किरण चौधरी और श्रुति चौधरी शामिल हुई भारतीय जनता पार्टी में, उसके पीछे जो सबसे बड़ी भूमिका है वो मनोहर लाल की है। मनोहर लाल ही उनको शामिल करवा रहे थे आज भारतीय जनता पार्टी में, उस भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जो इन दोनों माँ बेटी के जॉइनिंग का जो सेरेमनी थी उसके अंदर जो विशेष होस्ट थे, विशेष किरदार थे, वो मनोहर लाल थे। थे तो वहाँ नायब सिंह सैनी भी थे, तो वहाँ तरुण चुघ भी थे, तो और नेता भी, लेकिन विशेष किरदार जो थे वो मनोहर लाल थे। और बाद में मनोहर लाल उन दोनों को लेकर के गए जेपी नड्डा साहब के निवास पर, जेपी नड्डा से मिलाने के लिए जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इससे पहले अगर आप देखें तो मनोहर लाल ने किस प्रकार से लाल नेताओं के जो परिवारों के वंशज जो हैं उनको उनकी मूल पार्टियों से या उनके अपने धड़ों से ला करके भारतीय जनता पार्टी में मिलाया। कुलदीप बिश्नोई को ले सकते हैं इसके अंदर आप। कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल की राजनीति के सही विरासत संभालने वाले हैं, राजनीति की विरासत उन्हीं के पास है। और चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत के नाम पर राजनीति करते रहे कुलदीप बिश्नोई पिछले साल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उससे पहले रंजीत सिंह चौटाला भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, चौधरी देवीलाल के बेटे। अब मैं आपको बताऊंगा कि राजनीतिक विरासत किन के पास और राजनीतिक विरासत के नाम पर राजनीति करने वाले कौन लोग। अगर चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत को आप मान करके चलें तो वो राजनीतिक विरासत 70% तो अभय सिंह चौटाला के पास है और 30% अजय सिंह चौटाला के पास है, यानी कि 100% विरासत थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पास। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पास से वो जो विरासत जब आगे गई, हालांकि चौटाला साहब ने तो दी अभय सिंह चौटाला को, लेकिन वो थोड़ी सी संभाल ली अजय सिंह चौटाला ने भी। अब वो कब तक कहां घूमेगी पता नहीं, लेकिन चौधरी रंजीत सिंह चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत संभालने वाले नहीं है दोस्तों, उनके नाम पर राजनीति करने वाले तो हैं चौधरी रंजीत सिंह चौटाला, चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत के नाम पर। इसलिए मैंने कहा कि कुछ लोग तो वो हैं जिनके पास राजनीतिक विरासत है और कुछ लोग वो हैं जो विरासत के नाम पर राजनीति करते हैं। तो उस कैटेगरी में नंबर एक पर तो आ गए रंजीत सिंह चौटाला।
और दूसरे पर ले लें तो आदित्य देवीलाल, आदित्य चौटाला, जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, टिकट पर चुनाव भी लड़े हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में मनोहर लाल के सानिध्य में ही हैं। ये तो दो नेता हुए चौधरी देवीलाल की विरासत के नाम पर राजनीति करने वाले। और कुलदीप बिश्नोई हो गए चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत संभालने वाले, क्योंकि चंद्रमोहन के पास राजनीतिक विरासत नहीं है चौधरी भजनलाल की। और अगर आप चंद्रमोहन का आप ये भी कह लें कि जिस जिले में वो राजनीति करते हैं तो वहाँ चौधरी भजनलाल का कोई बहुत बड़ा असर भी नहीं रहा था। चौधरी भजनलाल की विरासत के नाम पर जो राजनीति या राजनीतिक विरासत जो है वो हिसार जिला है, सिरसा जिला है, फतेहाबाद जिला है, हांसी है, इन सब में तो हो सकती है, हरियाणा के और जिलों में भी हो सकती है, उस लिहाज से आप थोड़ा सा पंचकुला को भी मान लें, लेकिन असली रूप से जो राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं वो कुलदीप बिश्नोई हैं। और आज किरण चौधरी गई, किरण चौधरी के लिए भी आप ये मान लें कि उनको आप कह सकते हैं कि वो चौधरी बंसीलाल की विरासत के नाम पर राजनीति चलती है उनकी। अगर आपको बताएं तो किरण चौधरी को जो लोग जानते हैं, जिनकी राजनीति में इंटरेस्ट रहा हो, अगर आप देखें तो किरण चौधरी की हरियाणा के अंदर राजनीति शुरू तब हुई जब हरियाणा के अंदर चौधरी सुरेंद्र सिंह का, जो किरण चौधरी के पति थे, उनका एक हेलीकॉप्टर विमान हादसे में निधन हो गया और चौधरी बंसीलाल राजनीतिक रूप से शिथिल हो गए। उस समय किरण चौधरी हरियाणा में शुरू हुई, अपने पति की सीट पर, तोशाम की सीट पर पति की दिवंगत होने के बाद चुनाव लड़ा। उससे पहले किरण चौधरी की राजनीति दिल्ली में चलती थी, दिल्ली कैंट से विधायक हुआ करती थी किरण चौधरी, और किरण चौधरी दिल्ली कैंट की विधायक थी। दिल्ली कैंट की विधायक रहते हुए ही वो दिल्ली की विधानसभा की उपाध्यक्ष भी बनी थी। अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा कि किरण चौधरी को कहां कहां साधना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि आखिर तीनों लालों के जो महालाल चौधरी मनोहर लाल कैसे बनते चले गए, तीनों लालों के महालाल। एक प्रकार से सबसे पहले उन्होंने चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत संभालने वाले या उनके विरासत के नाम पर राजनीति करने वालों को साथ लिया, चाहे वो अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला का समर्थन था, चाहे रंजीत सिंह चौटाला आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके, चाहे आदित्य चौटाला है। उसके बाद बारी आई चौधरी भजनलाल के परिवार की, तो चौधरी भजनलाल के परिवार से कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई और जसवा देवी को तो उन्होंने चरण स्पर्श तक किए मनोहर लाल जी ने आदमपुर के उपचुनाव की चुनावी रैली के मंच पर। और अब नंबर लगा चौधरी बंसीलाल की विरासत के नाम पर राजनीति करने वाली किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का, और उनको भी आज उन्होंने आखिर शामिल करा लिया। और इसे आप कह सकते हैं कि ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, तो एक तरह से कहें तो राजनीतिक रूप से जो सागर है भारतीय जनता पार्टी का, उसके अंदर लाल राजनीति की विरासत और लाल राजनीति के विरासी जो हैं वो सब धीरे धीरे चले गए मनोहर लाल के सानिध्य में भारतीय जनता पार्टी में, भाजपा में शामिल हुए और सानिध्य रहा मनोहर लाल का, पथ प्रदर्शक हुए मनोहर लाल। और इस प्रकार से तीनों लालों का अंश जो है, राजनीतिक जो ताकत जो है, वो मनोहर लाल के अंदर समाती चली गई। आगे चल के हरियाणा की राजनीति में क्या होगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर लगभग 9.5 साल तक शासन करने वाले मनोहर लाल आज भले ही मुख्यमंत्री तो नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे जो मनोहर लाल की भूमिका है उसको कोई नकार नहीं सकता। मनोहर लाल भले ही केंद्र सरकार के वजीर हैं, लेकिन जिम्मे उन्हीं के हैं कि हरियाणा में सत्ता में वापसी कैसे होगी। पार्ट 3 की सरकार, जैसे मोदी पार्ट 3 हो चुका, NDA की सरकार बन गई सेंटर के अंदर, उस प्रकार हरियाणा में कैसे उसको दोहराया जाएगा। और आपको क्या लगता है कि क्या मनोहर लाल इस कार्य में जो मैंने आपको बताया, क्या ये बात सटीक लगती है कि उन्होंने एक एक करके तीनों लालों की राजनीतिक शक्ति को भारतीय जनता पार्टी में ला खड़ा किया? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।